विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ग्राम पंचायत धीरा में मुख्यमंत्री राहत कोष से 103 लाभार्थियों को लगभग 12.5 लाख रुपए की राशि के चेक और 11 लाभार्थियों को गृह अनुदान योजना में गृह निर्माण के लिए 13.5 लाख रुपए के चेक वितरित किए। विधानसभा अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत धीरा में 5 लाख रुपए से निर्मित पंचवटी वाटिका, 7 लाख से ग्राम पंचायत भवन के अपर्दन कार्य तथा 3.5 लाख से गुग्गा मंदिर धीरा के सौंदर्यीकरण के कार्य का लोकार्पण किया। धीरा में जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा ने उपस्थित लोगों को दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए दर्जनों योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है और प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को सीधे तौर पर इनका लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि 16 हलके का सर्वांगीण विकास ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। परमार ने कहा कि 16 विधानसभा क्षेत्र में बिना आवास के लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे पूर्व उन्होंने बलोटी में क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच प्राप्त होता है, उनकी प्रतिभा में निखार भी आता है। उन्होंने यहां आयोजनों को 15,000 रुपए देने की घोषणा भी की। भवन बनकर के तैयार हुआ और जो पर्यटन विभाग की तरफ से पैसा आया था उसके ऊपर भी बढ़िया फैब्रिकेटेड शीट डाली गई है, वो भी समर्पित किया गया। इसके लिए भी मैं बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये आपकी सरकार है, जनता की सरकार है और सरकार को बनाने के लिए अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को और 16 विधानसभा के लोगों को ये एहसास होने लगा है कि जिस व्यक्ति को जितवा करके हम शिमला और दिल्ली भेजते हैं वो व्यक्ति क्या हमारी आवाज को बुलंद करता है। जो विचारधारा और पार्टी आज दुनिया की पार्टी बन गई, जिसके प्रधानमंत्री शक्तिशाली अमेरिका में भी एक मजबूत नेतृत्व के रूप में जाने जाते हैं, अब देश के लोगों को और हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी एहसास होने लगा कि वर्षों के बाद, आजादी के बाद 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया, पर ऐसे भाइयों और बहनों को आज भी मकानों के लिए तड़पना पड़ता है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके बेटियों के घर में, जिनकी शादी, बेटियों की शादी होनी है, हाथ पीले करने हैं पर घर में पैसा नहीं है। उसके प्रशासन के प्रयासों से और भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से यहां पर कोरोना के समय, कोरोना तो आज भी है परंतु आपने जो समाज के साथ एक संबंध बनाया, जरूरतमंद लोगों को राशन घर घर तक पहुंचाया, और मैं आपका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपके द्वारा भी प्रधानमंत्री कोविड फंड में, मुख्यमंत्री कोविड फंड में जो आपके प्रयासों से जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए जो सहयोग दिया उसके लिए ये मैदान जीता जागता उदाहरण है कि यहां पर खड़े होकर के समाज सेवा के रूप में हमारा प्रशासन आगे आया, एसडीएम साहब आगे आए, यहां के जो हमारे पटवारी हैं वो आए, कानगो यहां पर आए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार लगे और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाए।